हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 100, जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 3 मार्च 2022। आप अपना नेम अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वर्क एंड एनर्जी, जिसका रिविज़न करेंगे। आपको पता है एनर्जी ट्रांसफर होती है या फिर चेंज होती है वन फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में। जो टोटल एनर्जी सिस्टम होता है वो हमेशा अनचेंज रहता है, ये क्योंकि जो एनर्जी का भी एक लॉ है। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही क्रिएट करी जा सकती है, ये बस ट्रांसफॉर्म होती है वन से अनदर फॉर्म में, यानी हीट से लाइट में हो गई, लाइट से इलेक्ट्रिक में हो गई, ऐसे। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो वैलिड है हर सिचुएशन में, हर काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। अब यहाँ पे एक सिंपल इक्वेशन दे रखी है। हमने मास को एम ले लिया और फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, और हाइट एच ले ली। एट द स्टार्ट पोटेंशियल रिजल्ट, और स्टार्ट में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारी एम जी एच होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी तो यानी कदम तो कुछ भी चला ही नहीं है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। तो यानी टोटल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच। और जब वो गिर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, यानी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस, द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज वाइल द काइनेटिक एनर्जी वुड इंक्रीज। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी 100% हो जाएगी, क्योंकि वो एकदम एक पॉइंट पे फिक्स हो गई है, और काइनेटिक जीरो। फिर जब वो नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 15 और ये 25, ये फिर 15 हो जाएगी, फिर ये भी 15, फिर ये आपकी 25 हो जाएगी, ये 75, फिर ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी, ये 100। फिर जब एक बार एकदम रुक जाएगी तो ये वापस 100 हो जाएगी और ये फिर ज़ीरो। तो ऐसे जो है एनर्जी चेंज रहती है। यदि ये क्या आपकी ई के है, ई पी, और ये क्या आपकी ई ई के है, बी के। और पोटेंशियल एनर्जी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों का सम हमेशा 100% ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ लेते हैं, वो डिक्रीज वाइल काइनेटिक एनर्जी वेन इंक्रीज, वेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, द हाइट इज जीरो, वेलोसिटी विल बी द हाइएस्ट। तो हाइट जो काइनेटिक एनर्जी है वो लार्जेस्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी। और जो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो हमेशा ऑल पॉइंट से सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होगी, यानी एम जी एच प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर, तो हमारा कॉन्स्टेंट होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सब को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, अब जब किसी ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल होता है, द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपेयर्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में गिराया जाता है, तो जितना ही उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है किसी पॉइंट पे, यानी अगर यहाँ पे 75 है, उतनी ही जो अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ये आपको बताया गया। और यही जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया वो आपका दे रखा है। और देर इज अ कंडीशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक। तो यहाँ पे कंटीन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में होता रहता है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ना ही एनर्जी ना ही क्रिएट करी जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, ये बस ट्रांसफॉर्म होती है वन से अनदर में। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डज अ ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, इज इट वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आपने ऑसिलेटिंग बॉब देव देखा है वो अचानक से रेस्ट पे आ जाता है, तो वो ऐसा क्या ये एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वायलेट कर रहा है, यानी तोड़ रहा है। तो हमें पता है बॉब जो है वो ऑसिलेट नहीं हो सकता हमेशा, फिर रेस्ट पे तो ज़रूर आएगा, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस है, वो उसकी मोशन को रेसिस्ट कर देते हैं। जो पेंडुलम है वो अपनी एनर्जी
अपनी काइनेटिक एनर्जी खो देता है टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन से बचने के लिए, एंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद रुक जाता है। तो टोटल सिस्टम एनर्जी का, एनर्जी ऑफ पेंडुलम एंड द सराउंडिंग सिस्टम रिमेन कंजर्व। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसमें वायलेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो एनर्जी है वो पेंडुलम की द्वारा जो लॉस करी जाती है वो फ्रिक्शन के द्वारा गेन कर रही है सराउंड में। तो टोटल एनर्जी जो पेंडुलम में है वो सराउंडिंग सिस्टम में रिमेन कंजर्वड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट 40 kg की है जो कि हाइट से गिराई जाती है 4 मीटर। आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी स्टोन की हाइट 2 मीटर और 1 मीटर में कैलकुलेट करनी है। ऑल्सो कैलकुलेट मैकेनिकल एनर्जी एट बोथ हाइट्स, और आपको बोथ दोनों ही हाइट पर मैकेनिकल एनर्जी भी निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, एम जी एच का 2 मीटर हाइट दे रखी है और जी हमारा 10 होता है, हाइट हमें 10 दे रखी है, तो 2 × 10 इंटू करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो काइनेटिक, अगर हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी उतनी होगी, और इन दोनों का सम 800 हो जाएगा। फिर 1 दे रखा है तो ये 200 आ जाएगा, और ये 600, और इन दोनों का सम भी 800 हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।